guys, it's Mini. I hope you all are doing good and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ डिस्क्लेमर दैट मैंने एक वीडियो शूट करी थी हु इज मोर लाइकली टू वली मेरे सिस्टर्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एडिटिंग दैट वीडियो एंड वो वीडियो करप्ट हो गई एंड ओरिजिनल फाइल थी वो डिलीट हो गई. एनी वेज जो भी था वो मैं इतना बड़ा आपको अनाउंस भी नहीं बताऊँगी. सो या मैं इसलिए लेट हो गई अपनी वीडियो पोस्ट करने में एंड थोड़ा मेरे लैपटॉप में भी थोड़ा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी. सो आई वॉज लेट फॉर द वीडियो, बट फ्रॉम नाउ आई विल बी फ्रिक्वेंट विद यू गाइज. मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँगी. लास्ट टाइम से मैं काफ़ी गैप के बाद वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ क्योंकि शूट नहीं हो पा रही. सो बट नाउ आई विल बी मोर फ्रिक्वेंट एंड आई वीडियोज़ में जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी. सो अबाउट दिस वीडियो, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी अपने बाल को कलर कराने का, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉकडाउन थिंग मैं नहीं करवा पाई. बट मैंने एक हेयर कलर का पैक लिया था, सो मैंने उसको अभी तक यूज़ नहीं कराया. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू यूज़ एंड कलर माय हेयर. आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करते हैं एंड ऑल दैट. सो बिकॉज क्योंकि मेरे जो बाल हैं, किसी ने मुझे अभी मतलब मैं एक्चुअली मैं किसी सैलून नहीं गई हूँ जो पता मुझे लगे कि मेरे फेस पर क्या अच्छा लगेगा. सो जो मैंने मुझे ठीक लगा, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा लाइट ब्राउन करना चाहिए, मतलब तो प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए अपने बालों से, क्योंकि आई थिंक कि ओरिजिनल जो ब्लैक हेयर हैं वो मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं. सो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट परफेक्ट कलर. सो मैंने जो कलर लिया है मैं आपको दिखाती हूँ, दैट्स अ न्यू बॉक्स एंड वो मैं अपना कलर ये खुद करने वाली हूँ आप लोगों के सामने. तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा कलर आने वाला है, बट जो मैंने शेड मंगाया दैट इज़ लाइट ब्राउन एंड शेड नंबर 5 आई गेस. सो वो पैक पर जो भी डिटेल्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो. एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई विल बी मोर फ्रिक्वेंट फ्रॉम नाउ. एंड आई होप कि अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट करूँ एंड आप लोग मेरी वीडियोस को अच्छे से देखें, इन्हें एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके सो गाइज, आई हैव दिस गार्नियर कलर नेचुरल्स दिस हेयर कलर. मैंने खरीदा था बट मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं करा है. सो आई थॉट कि अभी मैं इसे ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं जिस टाइम अपने हेयर्स को बिल्कुल रूट से नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा मुझे डैमेज होने का थोड़ा सा चांसेस मुझे डर है, क्योंकि इतने लंबे बाल मैं अपने आसानी से ख़राब नहीं कर सकती. सो मैं थोड़ा सेक्शन नीचे का करके जो है उनको हाईलाइट करूँगी. सो अब ओपन करते हैं इस बॉक्स को, मैंने अब तक खोला नहीं है. मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही इसे ओपन करते हैं एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या है और कैसे यूज़ करना है. सो इनसाइड दिस बॉक्स हेयर इट इज़ अ क्रीम कलरेंट एंड आई हैव इनसाइड दिस कलर. ओके, तो दिस इज़ अ डेवलपर एंड इसमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है कि 1/2 यूज़ करना है, देन 3/4 अलग लग रहा है. तो ये कलरेंट है एंड इनसाइड दिस एंड दिस इज़ द यूज़र मैनुअल लाइक हाउ we have to use the color. And along with this I've got these conditioner pouches जो शायद मुझे ये आफ्टर यूज़ करने हैं. सो पहले एक बार देख लेती हूँ करना क्या है. इसमें पुट ग्लव्स ऑन देन इक्वल डेवलपर एंड कलर एंड मिक्स अप्लाई ऑन योर हेयर लीव फॉर 30 मिनट्स. ओके सो अभी मुझको एक बोल में ये कलरेंट एंड ये डेवलपर मिक्स करना है इन द सेम रेशियो, दैट इज़ 1:1 और इक्वल क्वान्टिटी. सो या मैं इसे एक प्लास्टिक के बोल में मिक्स करूँगी एंड उसको लगाने के बाद आई हैव टू लीव इट फॉर 30 मिनट्स. सो बिफोर दैट मैं इसको कलर डालूँ, मिक्स करूँ एंड एक्टिवेटर जो भी है वो स्टार्ट हो जाए, आई हैव टू चेंज माई क्लोथ क्योंकि ये मेरा जो टॉप है ये ख़राब होने के चांसेज हैं और मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ. तो मैं अब एक डैम्प कोई भी टॉप या टी शर्ट जो भी है वो चेंज करती हूँ एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं विद द कलरिंग. गाइस मैंने अपनी ये टॉप जो था वो चेंज कर लिया है
ये मैंने एक थोड़ी पुरानी टी शर्ट थी मैंने उसे पहन लिया एंड अपने हेयर टाइप कर लें क्योंकि सारे बाल एक साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अब मैं इसको इतने सेक्शंस तक टिल हेयर, क्योंकि मेरे हेयर काफ़ी लॉन्ग हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सिर्फ इतना करने वाली हूँ इसको, दिस मच। एंड अब हम ऐड करते हैं विद द डेवलपर एंड द कलर, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इसमें। इसमें डेवलपर डालें, और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद देन मैं अपने ग्लव्स पहनूंगी जो इसके साथ के लिए। वेल तो अब इसको अप्लाई करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, बट बिफोर दैट मुझे ये ग्लव्स जो हैं ये पहनने पड़ेंगे। मैंने अपने जो हेयर है वो ऑलरेडी कॉम्ब कर लिया अच्छे से, क्योंकि विदाउट कॉम्ब जो टैंगल्स होंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शन लूंगी और उसको मैं कलर करती जाऊंगी एंड विल लीव इट एज इट इज। ओके तो ये हो गया है डन, तो मैं इसको टाई अप करूंगी और जो भी ऊपर बचा वाला पार्ट है उसको कलर करने वाले हैं। चलो उतारते हैं एंड जो ऊपर वाला पोर्शन रह गया है अब मैं उसको कलर करूंगी। आउच दिस पोर्शन। ओके सो गाइज आई एम डन विद द कलर एंड ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है और सारा मेरे फेस पर यहाँ पर, कोई बात नहीं लेट इट बी, बट आई होप ये जो कलर मैं जो करके बैठी हूँ यहाँ पर वो वही कलर आए। सो अब मुझे इसको करने के बाद आई हैव टू कीप इट अप फॉर अबाउट 30 मिनट्स। सो मुझे 30 मिनट्स तक रखना है कलर को, उसके बाद आई हैव टू वॉश इट विद दिस कंडीशनर एंड अप्लाई ओवर हेयर, उसके बाद लेट्स सी कैसे कलर आता है। सो क्योंकि अब 30 मिनट्स हैं एंड वी हैव टू टॉक, सो डोंट वरी मैं आपके 30 मिनट्स वेस्ट नहीं करवाऊँगी। यूजअली आई यूज टू चॉप माई हेयर फॉर अबाउट 15 और आफ्टर 7 days और आफ्टर लाइक 15 to 20 days आई यूजअली जस्ट ट्रिम माई हेयर फ्रॉम द नीचे साइड और उसको मैं ट्रिम कर देती हूँ, क्योंकि स्प्लिट एंड्स सबसे अनहेल्दी होते हैं बालों के लिए, तो मैं ज़्यादातर अपने बालों को चॉप करती हूँ। एंड मैंने जो मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर इफ़ यू हैव टू जस्ट ओपन अप योर हेयर, आपको ऐसे ही कहीं जाना है सिर्फ बाल खोलने एंड नो हेयर स्टाइल नथिंग, सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि यू जस्ट हैव टू टेक अ प्रॉपर हेयर स्टाइल और यू जस्ट हैव टू टेक अ प्रॉपर हेयर कट विच सूट्स योर फेस और बॉडी शेप और योर पर्सनैलिटी, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने ऊपर। जस्ट आस्क फ्रॉम योर सैलून जो भी आपका करते हैं, जो भी बाल वगैरह आपके जो भी देखते हैं उनसे पूछिए कि आपके फेस पर क्या अच्छा लग रहा है। सो जस्ट टेक अ हेयर कट, क्योंकि अनइवन जो बाल होते हैं और जो वो खुलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो व्हाट आई फील इज कि हमें एक प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए। सो मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं, आप लोगों ने मेरे बाल ऑलरेडी देखे होंगे काफ़ी वीडियोज़ में, तो जनरली मैंने उनको कट नहीं करवाया क्योंकि मुझे इतने लंबे बाल कट करना कोई भी शौक नहीं है, तो मैंने बिल्कुल भी कट नहीं करवाया है, सिर्फ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेयर कट चाहिए था, थोड़ा सा मेकओवर चाहिए था। सो आई जस्ट चॉप्ड इट हेयर फ्रॉम लाइक दिस लेंथ और बाकी के मेरे सारे हेयर लॉन्ग हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि अगर आपको अपने हेयर ओपन रखने हैं तो फ्रीजी हेयर, अनटैंगल्ड हेयर, अनकॉम्ब हेयर
और जो सिल्की हेयर नहीं होते रफ हेयर वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपको अपने वैसे हेयर रखने चाहिए। अगर आपको अपने हेयर खोलने हैं सो यू कैन गो विद अ गुड कंडीशनर, यू कैन गो विद अ गुड हेयर मास्क। मैं यूजुअली हेयर मास्क लगाती हूँ अपने बालों पर, इफ़ आई फील कि थोड़ा ज़्यादा अनहेल्दी हो गया या काफ़ी टाइम हो गया है, सो आई यूजुअली पुट अ हेयर मास्क फॉर अबाउट 15 to 10 minutes और 15 to 20 minutes एंड जस्ट वॉश इट ऑफ। उसके बाद आई फील कि मेरे हेयर काफ़ी स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द क्वालिटी ऑफ हेयर। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ हैं, अनटैंगल्ड हैं, अनकोल्ड हैं तो वो अगर आप कहीं भी जाएंगे वो बहुत ही गंदे लगेंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आपके हेयर जो हैं उनकी क्वालिटी आप अच्छे से मेंटेन कर सकें। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ कि अगर आप कहीं जा रहे हो एंड इफ़ यू डोंट हैव अ हेयर कट, अगर ज़रूरी नहीं है कि सबके बाल ही हेयर कट हो, यूजुअली पीपल यूज टू लाइक कि जो सिंपल बाल हैं उनकी जो भी लेंथ है नेचुरल लेंथ वहीं तक रखते हैं। बट अगर आपके पास स्ट्रेटनर है या आई रिकमेंड कि आप एक स्ट्रेटनर ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रेटनर से या सिंपल अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो सिंपल स्ट्रेट कर लो बाल तो वो जो अनइवननेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी एंड दैट विल लुक गुड फॉर श्योर। और यू कैन जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट, अगर आपके पास स्ट्रेटनर आपको नहीं लेना है वॉट एवर इट इज़, सो पॉइंट नंबर 4 आई थिंक 4 इट इज़, सो जस्ट मेक अ हेयर स्टाइल, अ सिंपल गुड हेयर स्टाइल विच सूट्स योर फेस। सो आप वो बना लीजिए एंड अगर आपका फेस काफ़ी ब्रॉड है तो जस्ट थोड़े से बाल आपको यहाँ से कवर करने चाहिए। ओके, अगर आप अगर चाहते हो कि मैं अपने हाउ आई मैनेज माई हेयर, सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स कि मैं उसमें वीडियो बनाऊँ कि नहीं, तो मैं आपको उसमें सारा डिटेल बता दूँगी कि आपको कैसे मैनेज करनी चाहिए अपने बाल, क्योंकि हेयर भी काफ़ी हमारे जो लुक है उस पर बहुत सारा हमारा जो है वो बैलेंस रखते हैं। हेयर से अगर वो ठीक नहीं हुए तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। सो व्हाट आई फील कि हेयर शुड बी नाइस एंड शुड बी क्लीन ऑफकोर्स एंड शुड बी लाइक स्मेल। सो या दैट वॉज अ क्विक टिप्स फॉर व्हाट आई डू फॉर माई हेयर। सो अगर आप लोग चाहते हो कि इसी कुछ लेकर अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स और मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। सो नाउ बैक टू दिस वीडियो, मैंने अपने बाल को ये कलर किया था फॉर अबाउट इट वॉज 12:30 जो जब मैंने अपने ये हेयर पर कलर किया है। सो अराउंड 1 और 1 नॉट अराउंड, मुझे अपने हेयर को वॉश करना है क्योंकि 30 मिनट्स से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकती अपने बालों का। तो लेट्स वेट फॉर द 30 मिनट्स एंड उसके बाद देखते हैं वॉश करने के बाद ये बाल कैसे लगते हैं। एंड ऑफकोर्स जो भी अगर आप अपने बालों पर हेयर कलर कर रहे हैं, वट आई रिकमेंड इज़ कि मुझे लगता है कि वट आई फील इज़ कि मुझे क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लाइक गो विद द ब्लॉन्ड और गो विद एनी अदर कलर। सो आई जस्ट पिक अप दिस लाइट ब्राउन शेड फॉर माई हेयर, क्योंकि बिना किसी सैलॉन में जाए विदाउट गोइंग एनी सैलॉन और विदाउट आस्किंग फ्रॉम माई एक्सपर्ट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एनी थिंग विद माई हेयर, क्योंकि आई लव माई हेयर वेरी मच, तो मैं रिस्क लेना चाहूँगी इनके साथ कोई। सो लेट्स वेट फॉर 30 मिनट्स एंड आई बी बैक आफ्टर 30 मिनट्स और उसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी। तो वॉश करती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर 30 मिनट्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कंडीशनिंग कर लिए हैं, उसके बाद जो कंडीशनर मुझे यूज करना था एंड ब्लो ड्राई कर लिए एंड आफ्टर दैट डोंट थिंक कि मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे हैं बिकॉज कि मेरे ऑलरेडी जो हेयर हैं वो नेचुरली स्ट्रेट हैं, सो मैंने कोई स्ट्रेटिंग नहीं करी है। सो अबाउट द कलर, ओके सो यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा था लाइट कलर के साथ, सो जो मैंने जो भी ट्राई करा है सो दिस इज़ द कलर। ओके सो गाइज यू कैन सी कि थोड़े मेरे बालों में हल्का हल्का ब्राउन कलर का टेक्सचर है एंड परफेक्टली ब्राउन नहीं है क्योंकि मैंने करे भी नहीं है एंड आई डोंट वॉन्ट ऑल्सो। सो दिस इज़ द टेक्सचर विच आई गॉट एंड आई एम सीरियसली रियली हैप्पी विद द कलर, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती अपने बालों के साथ क्योंकि ऑफकोर्स मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, बट आप लोग तो देख ही रहे हो
सो मैं अपने लुक से मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा कर सकती हूँ ज़्यादा नहीं। दिस इज द कलर एंड पर्सनली आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा एंटरटेन लगा हो एंड आपको मेरा हेयर कलर भी पसंद आया हो। इससे इट वाली लाइट में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट आई विल मेंशन द पिक्चर्स इफ यू वांट द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं इसको ऐड कर दूँगी पिक्चर्स को। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वट नेक्स्ट यू वॉन्ट टू वॉच ऑन माई चैनल प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल लव टू मेक द वीडियोज ऑन सच कंटेंट। एनी वेज हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप आप सब लोग अपने घर पर हों सेफ एंड टेल मी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई इन द कॉमेंट्स एंड मेरा ये हेयर कलर पसंद आया। सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।